नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी को उस वक्त फांसी दी जाए जबकि वो देश का प्रधानमंत्री हो? क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि उस प्रधानमंत्री को फांसी न दिए जाने के लिए दुनिया के तमाम देश रिक्वेस्ट कर रहे हों, अपील कर रहे हों, चिट्ठियां लिख रहे हों और वो हर हाल में चाहते हों कि फांसी की सजा को टाल दिया जाए? आपने ये भी नहीं सुना होगा कि जब किसी शख्स को फांसी दी जाए, खासकर उस शख्स को जो कि देश का प्रधानमंत्री हो, वो स्ट्रेचर पर लाद कर ले जाया जाए क्योंकि वो इतना रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि उसकी चलने तक की हालत नहीं थी, बावजूद इसके उसको जबरन ले जा करके फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ये किस्सा बेहद हैरान करने वाला है और जहाँ का ये किस्सा है उस देश को आप सब लोग जानते हैं, लेकिन उस किस्से के बारे में आपको बताएं उससे पहले उस रात का सिलसिला बताते हैं। तारीख थी 4 अप्रैल 1979, यानी 4 अप्रैल 1979, और जगह थी एक जेल। जेल की वो काल कोठरी जहां पर इस शख्स को मौत की सजा दी जानी थी। मौत की सजा दिए जाते वक्त उस वक्त वहां पर तमाम वो आला अधिकारी मौजूद थे जो कि कानून वहां पर मौजूद रहते हैं, और जब इसको मौत का फरमान यानी अदालत का आदेश सुनाया गया उस वक्त ये शख्स सो रहा था। सोते में उसको तेज आवाज देकर जगाया गया और बताया गया कि तुम्हें फांसी की सजा दी जानी है। अचानक से इस बात को सुन करके वो सिहरने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कांपने लगा और उसने चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू कर दिया कि मुझे फांसी की सजा मत दो, चाहे जो कुछ कर लो, मैं अपने लिए नहीं जीना चाहता हूँ बल्कि इंसाफ के लिए जीना चाहता हूँ, ताकि लोगों के सामने सच्चाई सामने आ सके। जितने अधिकारी मौजूद थे, जितने लोग मौजूद थे, सारे के सारे इस शख्स के सामने छोटे अधिकारी थे, यानी देश का प्रधानमंत्री और उसके सामने वो कारिंदे, वो कर्मचारी, वो लोग जो उसके अंडर में काम करते थे। लेकिन हैरानी की बात ये कि किसी ने उसकी एक नहीं सुनी और आखिरकार उसी रात तय समय सीमा से 2 घंटे पहले शख्स को फांसी की सजा दे दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि आखिर कौन था ये शख्स जिसको इस तरह से बेइज्जत करके जबरन फांसी दे दी गई। लेकिन ये जहां का किस्सा है उसके बारे में, उस देश के बारे में जानेंगे तो आपकी सारी जिज्ञासाएं अपने आप शांत हो जाएंगी, क्योंकि आम तौर पर जहां कानून का राज नहीं चलता, जहां पर देश की सरकार कुछ मायने नहीं रखती, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं चलती, ऐसा देश है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। और पाकिस्तान का एक किस्सा है जबकि वहां के प्रधानमंत्री जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दी गई थी। ये वो वक्त था जब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और उन पर उस वक्त के जनरल ने आरोप लगाया था कि वो एक हत्या की साजिश में अपने दूसरे लोगों के साथ शामिल है। आरोप गंभीर था लेकिन बात प्रधानमंत्री की थी और उसकी गहराई से जांच की जानी जरूरी थी। लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ सेना के हवाले होता है और सेना में जनरल उस वक्त थे जनरल जियाउल हक। जैसी उनकी शक्ल, जैसी उनकी मूछें, जैसे उनका चेहरा, जैसी उनके चेहरे पर दिखती हुई वो कठोर लाइनें, वैसे ही शायद उनका मिजाज भी था। और खास बात यह कि इन जनरल जियाउल हक को जनरल बनाने वाले भी यही जुल्फिकार अली भुट्टो थे, यानी जिस शख्स को उन्होंने सेना का सबसे बड़ा मुखिया बनाया उसी ने उनको फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। ये बात है साल 1977 जब जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। उनकी पार्टी तरह तरह से लोगों के लिए काम कर रही थी, राजनीतिक रसूख बढ़ रहा था और आर्मी के चीफ हुआ करते थे जनरल जियाउल हक। इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन कुछ बातों को लेकर तनातनी शुरू हुई, क्योंकि उनका आरोप यह था कि जुल्फिकार अली भुट्टो लगातार बेअंदाज होते जा रहे हैं, किसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं, तमाम फैसले ऐसे ले रहे हैं जो कि आवाम के लिए ठीक नहीं है, तमाम लोगों के साथ ऐसा रुख रख रहे हैं, ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जिससे उनको जलील होना पड़ रहा है। इसके बाद धीरे धीरे ये पूरा मामला सेना और सरकार के बीच में तनातनी से बढ़ करके आगे जाने लगा। आशंका इस बात की जा रही थी कि या तो सेना के प्रमुख को हटा दिया जाएगा या तो फिर
प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा करके फिर से चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन अभी कुछ तय हो पाता उससे पहले ही एक बैठक की गई, जिस बैठक में ये तय होना था कि अब सेना और सरकार का रुख क्या होगा। इस बैठक में जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके मंत्रिमंडल के तमाम लोग, सेना से तमाम सीनियर लोग और जनरल जियाउल हक खुद बैठे। उस मीटिंग को रखा गया रावलपिंडी में, प्रधानमंत्री के उस ठिकाने पर जहां पर यह मीटिंग गुप्त रूप से होनी थी। उस दौरान इस मीटिंग में जो चर्चाएं हुई उसमें एक बार फिर से साफ हो गया कि सब कुछ शांत हो जाएगा और कोई भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो, जो कि उस वक्त छोटी थी और राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने बाद में एक किताब लिखी। उस किताब में जिक्र किया कि कैसे उस रात बेनजीर अली भुट्टो ने हर एक बात देखी सुनी और उसके मुताबिक जनरल जियाउल हक हर बात के लिए तैयार हो गए थे, शांति के लिए तैयार हो गए थे, और वो ये कह करके गए थे कि वो ताउम्र प्रधानमंत्री यानी उनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो के वफादार रहेंगे। लेकिन अगले ही दिन धीरे धीरे चीज़ें बदलनी शुरू हुई। दिन चढ़ने के साथ साथ खबरें आने लगीं कि सेना बगावत कर सकती है, सेना तख्ता पलट कर सकती है, और देर रात वही हुआ जिसका उनको डर था। बेनजीर ने अपनी किताब में यह भी लिखा कि रात के करीब 2 बजे एक सिविल पुलिस का आदमी पीछे के दरवाजे की तरफ से आया और वो लग रहा था कि उस आवास में जबरन घुस करके या बांध करके छुप छुपा कर आया है, और उसने आते ही बताया कि किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री को यहाँ से सुरक्षित निकालो क्योंकि सेना उनको मारने के लिए आ रही है। अभी वो शख्स बता ही रहा था तब तक उनके पास आधिकारिक रूप से भी सूचना आनी शुरू हो गई कि सेना की एक बड़ी टुकड़ी उस घर में दाखिल होने जा रही है जहाँ पर जुल्फिकार अली भुट्टो अपने परिवार के साथ रहते हैं। बेनजीर बताती हैं कि उन्होंने अपने पिता को जाकर के ताकीद किया कि किसी भी तरीके से यहाँ से निकल जाइए क्योंकि अगर यहाँ से निकल जाएंगे तो शायद आगे की लड़ाई लड़ पाएंगे। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर देश की सेना ही उनकी दुश्मन बन रही है तो मैं भागूंगा नहीं, अगर उन्हें मुझे गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लें, मारना है तो मार दें। इसके बाद कुछ घंटे के भीतर ही सेना की एक बड़ी टुकड़ी उनके आवास पर आ गई, उनको जबरन पकड़ लिया गया और उनको गाड़ी में बिठा करके वहां से रवाना हो गए। बेनजीर ने अपनी किताब में यह भी लिखा कि जिस वक्त उनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो जा रहे थे उन्होंने हाथ पीछे मुड़ करके हिलाया और उस वक्त बेनजीर ने उनसे कहा कि अलविदा पापा, यानी कि उनको इस बात का अंदेशा हो रहा था कि जिस वक्त वो यहाँ से जा रहे हैं वो शायद उनकी आखिरी मुलाकात होगी। और कई और ऐसी बातों का जिक्र उस किताब में किया गया जिससे पता चलता है कि उस वक्त पाकिस्तान में आखिर क्या चल रहा था। दरअसल पाकिस्तान आज़ादी के बाद से ही लगातार अपने अंदर के ही गृह युद्ध में या गृह की कलह में उलझा हुआ है। वहाँ सेना अपना निज़ाम चलाती है, सरकार अपना निज़ाम चलाने की कोशिश करती है, सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है लेकिन उसकी कोई सुनवाई होगी या नहीं होगी ये भी तय सेना करती है। यानी वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कोई पावरफुल है तो सरकार से भी ज़्यादा है सेना, और उसी सेना ने जुल्फिकार अली भुट्टो को 1979 में सबके विरोध के बावजूद फांसी के फंदे पर लटका दिया। जिस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा था उससे पहले वो करीब 322 दिन जेल में रह चुके थे, और हर एक दिन दुनिया के हर देश ने पाकिस्तान से इस बात की अपील की कि इस मामले में थोड़ा कम सख्त रवैया अपनाया जाए, यानी कि भुट्टो की फांसी की सज़ा को कम कर दिया जाए। लेकिन हैरानी इस बात की कि जनरल जियाउल हक ने किसी की कोई भी बात नहीं सुनी। उस वक्त मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी अपोजिशन में थी। इंदिरा गांधी ने भी इस बात की अपील की कि जुल्फिकार अली भुट्टो को भले ही जेल में रखा जाए लेकिन उनको फांसी की सजा ना दी जाए, उस बात को भी अनसुना कर दिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री के तौर पर मोरारजी देसाई ने इस पर कोई अपील नहीं की थी, उनका कहना यह था कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, उसमें दखल दिया जाना जरूरी नहीं है। लेकिन दुनिया के तमाम देश, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो और दूसरे देश, सारे के सारे अपील कर रहे थे कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी नहीं दी जानी चाहिए। इस सब के बावजूद जनरल जियाउल हक ने सबको अनसुना किया और रात को 4:30 बजे के आसपास अल सुबह, जिस वक्त फांसी दी भी नहीं जाती है, उस वक्त 4 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। आमतौर पर सूर्योदय से ठीक पहले फांसी दी जाती है और वो वक्त करीब 6:30 बजे का होता है, लेकिन इस मामले में
किसी भी नियम कायदे कानून को नहीं माना गया, न तो उसकी सुनवाई की गई ठीक से, न उनको सफाई का मौका दिया गया, न बाद में किसी भी नियम को फॉलो किया गया फांसी की सजा दिए जाने में, और न ही उनकी अस्थियों को उनके परिवार को सौंपा गया। इस घटना के बाद बेनजीर अली भुट्टो ने इस मामले में कई जगह पर अपनी किताब में जिक्र किया कि जब उनके पिता जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई तो उनसे संबंधित जितनी चीज़ें थीं उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको वापस किया, यानी उनके कपड़े, उनके किताब, उनके चश्मा, उनकी प्याला जिसमें चाय पीते थे और तमाम चीज़ें और। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर भी बदमाशी की, जुल्फकार अली भुट्टो की एक व्यक्तिगत अंगूठी थी उसको गायब कर दिया। जब इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई तो बहुत जद्दोजहद के बाद जेल प्रशासन ने माना कि वो अंगूठी उनके ही एक कर्मचारी के पास है और उसको बाद में वापस भी किया गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर का वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन था, किस स्तर की उनकी सोच थी, या प्रधानमंत्री और दूसरे जो बड़े लोग होते हैं उनका क्या कद रह जाता है जिनके साथ इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। जुल्फकार अली भुट्टो के मरने के बाद उनके परिवार वालों ने इस बात की अपील की कि उनकी अस्थियों को उन्हें सौंपा जाए ताकि वो पुश्तैनी जगह पर उनका अंतिम संस्कार कर सकें। इस पर उन्होंने एक रिट भी लगाई, एप्लीकेशन दी, सरकार से अपील की, लेकिन किसी सूरत में उनकी बात नहीं सुनी गई और बाद में जेल प्रशासन ने बताया कि उनको जेल के भीतर ही कहीं दफना दिया गया है, यानी उनके अंतिम संस्कार करने की भी इजाज़त नहीं मिली, उनकी अस्थियां भी परिवार को नहीं दी गई। लेकिन क्या था आखिर वजह जिसकी वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि देश के प्रधानमंत्री थे उनको फांसी की सजा दी गई? न सिर्फ सजा दी गई बल्कि बेइज्जत करके उनको फांसी पर चढ़ाया गया। बताते ये हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो को जिस वक्त फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे उनकी चलने की हालत नहीं थी, लिहाजा चार लोग एक स्ट्रेचर पर उनको लिटा कर ले गए और वो पूरे रास्ते सिर्फ रोते रहे और दया की भीख मांगते रहे कि उनको फांसी की सजा न दी जाए, चाहे उनको उम्र कैद दे दी जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो मरें। और दूसरी बात यह है कि जिस गुनाह के लिए उनको सजा दी जा रही है वो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं है। इसके बाद साल दर साल गुजरते गए, पाकिस्तान की राजनीति में अनेकों बदलाव आए, उतार चढ़ाव आए। जिस जियाउल हक की बात हम कर रहे हैं उस जियाउल हक की भी मौत एक हवाई जहाज के एक्सीडेंट में हुई। कहा यह भी जाता है कि उस वक्त की सरकार ने साजिश करके जियाउल हक की हत्या करवाई थी। हालांकि ये क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसका राज कभी बाहर नहीं आया और इसी के चलते ये शक और गहराता गया, क्योंकि सरकार अगर कोई ऐसी कदम उठाती है तो उसके राज बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरह से भुट्टो ने बिल्कुल बेअंदाज होकर के, बेलगाम होकर के तमाम काम किए थे पाकिस्तान में, उससे जनता ही नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम लोग नाराज थे, सरकार के लोग भी नाराज थे और उसका नतीजा इस रूप में भी हो सकता है। हालांकि इसका सच कभी सामने नहीं आया, इसलिए क्या हकीकत थी ये कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी उसको जरूर कोर्ट में चैलेंज किया गया। साल 2011 में जरदारी जो कि भुट्टो के दामाद थे उन्होंने कोर्ट में एक रिट लगाई कि इस हत्या की जाँच कराई जाए और जो फांसी की सजा दी गई थी वो कितनी सही थी इसके बारे में सच सबके सामने आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच का आदेश दिया क्योंकि तब तक भुट्टो भी जिंदा नहीं थे और उनका कोई जोर भी ऐसा नहीं था जो कि सुप्रीम कोर्ट पर रोक लगा सके। इसकी बहुत गहराई से विस्तृत जांच हुई और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से भुट्टो की फांसी की सजा दी गई थी, जिस तरह से उनको आनंद फानंद में फांसी पर चढ़ाया गया था वो बिल्कुल गैरकानूनी था, उनको अपना पक्ष रखने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया था। जिस हत्या में उनके शामिल होने की बात कही जा रही थी उसमें दरअसल वो खुद शामिल थे ये भी इसका कोई सबूत नहीं मिला। जिनको इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिनके ऊपर मेन आरोप था कि उन्होंने हमला करके कुछ लोगों की हत्या की है राजनीतिक साजिश के तहत, उनका भी कोई बहुत क्लियर रोल निकल करके नहीं आया। तो जिस तरह से ये भुट्टो को फांसी की सजा दी गई है वो बिल्कुल गैरकानूनी है। ये बात बाहर आने के बाद पूरे देश में एक बार फिर से हंगामा मच गया, लेकिन हुआ वही जो लगातार पाकिस्तान में होता आया है। पाकिस्तान में सेना के हाथ में ही सब कुछ होता है, सेना ने ही जनता की आवाज़ को दबा दिया, सुप्रीम कोर्ट के उस जज को भी हटा दिया जिसने इस तरह की बात कही थी। इसके अलावा सरकार के उन लोगों पर भी
तमाम तरीके की पाबंदियां और तमाम तरीके के एक्शन लिए जिन लोगों ने इसमें समर्थन किया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में सेना सबसे ज़्यादा मजबूत है, इतनी मजबूत, इतनी बेअंदाज और बेलगाम कि अपने देश के प्रधानमंत्री को तमाम देशों की अपील के बावजूद भी फांसी की सज़ा दे देती है और तमाम नियमों कायदे कानून को ताक पर रख करके सजा देती है। एक बात और कि जिस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा दी गई वो फैसला कानून के लिहाज से भी नहीं आया था, क्योंकि सबसे पहले अगर मामला जाता है तो लोअर कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इस मामले में पाकिस्तान और भारत का लगभग लगभग एक तरीके का कानून है, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो के मामले में यह मामला सीधे हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट में एक जज ने जिसने सुनवाई की उसने 10 दिन के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को जमानत दे दी थी। जमानत देने के बाद जब जुल्फिकार अली भुट्टो बाहर आए तो वो तमाम सभाएं करने लगे, लोगों को जागरूक करने लगे, बताने लगे कि किस तरह से सेना उनका दमन करना चाहती है, किस तरह से उनको जेल में डालना चाहती है, और इसके चंद दिन के बाद ही फिर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया उसी मामले में जिसमें कोर्ट ने उनको जमानत दी थी, और उस जज को भी उसकी कुर्सी से हटा दिया गया जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो को जमानत दी थी। यानी आप समझ सकते हैं कि न तो कोर्ट, न जज, न कानून, न पुलिस, न एडमिनिस्ट्रेशन, सेना के आगे कुछ नहीं। और ये सबसे बड़ी और सबसे गंभीर, सबसे हैरान करने वाली जीती जागती मिसाल है जिसमें एक प्रधानमंत्री को रोते बिलखते देख करके भी किसी सेना के जनरल का कलेजा नहीं पसीजा और उसने कानून से अलग जा करके प्रधानमंत्री को ही फांसी की सजा दे दी। हालांकि इसके बाद कई और मामले हुए जिसमें पाकिस्तान की सेना और सरकार के बीच के तकरार सामने आते रहे। जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जितने भी सेना अध्यक्ष हुए, जितने भी वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, चीफ जस्टिस हुए, उन सब के बीच तकरार लगातार आती रहती है। हाल में इमरान खान के खिलाफ भी इस तरह से सेना ने कदम उठाया, इससे पहले नवाज शरीफ के साथ भी ऐसा हुआ, आसिफ अली जरदारी के साथ भी ऐसा हुआ और बेनजीर भुट्टो के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल इतिहास है, जो पॉलिटिकल पूरा वहाँ का माहौल है, वो हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है। देश और दुनिया के तमाम लोग इस पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन वहाँ का संघीय ढांचा इतना कमज़ोर हो चुका है, इतना दबाया जा चुका है कि अब उसमें सुधार की कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। यानी आने वाले वक्त में भी वहाँ पर सेना ही शायद सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगी, और कभी इससे भी बड़ी कोई खबर आ जाए तो ये कहना कोई हैरानी की बात नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को बेहद नाटकीय अंदाज में बगैर किसी नियम कायदे कानून को फॉलो किए फांसी की सजा दिए जाने पर ये थी आज की कहानी। अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे, तब तक मुझे दीजिए याद। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।